मैं सम्यक टीवी 24 से आज मैं उपस्थित हूँ अलवर में, और यहाँ पे मैंने देखा सामूहिक विवाह हो रहा है और छठवां सामूहिक विवाह हो रहा है। आप सामने बोर्ड में देख सकते हो उसका कल्याण प्रकाश समिति जिला अलवर की तरफ से सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। इसमें 21 जोड़े जो है शामिल हुए हैं और सामूहिक विवाह में हमारे साथ समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी सामूहिक विवाह का उद्देश्य क्या है। सर जय भीम आपका, जय भीम आपका, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। सर आप अपना परिचय दीजिए और ये सामूहिक विवाह का जो उद्देश्य है वो बताइए। गवर्नमेंट कॉलेज में मंगल राम जाटव अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति, दो सपोर्ट रोड खुदनपुरी, आज अम्बेडकर छात्रावास में छठा सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है, जिसमें एक ही जाति जाटव बैरवा समाज रेगर मेघवाल जो भी इसी जाति से जुड़े हुए हैं, इन सभी जाति के 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन बौद्ध रीति से आज संपन्न होने जा रहा है। बौद्ध रीति का जो कार्यक्रम है इसका भदंते नागराज जी करवाएंगे, साथ में अन्य भदंते इनका सहयोग करेंगे। ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन अब की बार छठा हो रहा है, इससे पहले और 119 जोड़ों का इस डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति ने और किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से इन सामूहिक जो विवाह सम्मेलन का उद्देश्य है, समाज में जो दहेज की कुरीतियाँ जो बढ़ रही हैं उन कुरीतियों को रोकथाम करने के लिए और सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया है। इसमें जो भी सामान दिया जा रहा है वो भामाशाहों के सहयोग से दिया जा रहा है, जो समाज के अधिकारी कर्मचारी समाज सेवी उनके द्वारा अपनी नेक कमाई में से और ये सामान खरीद कर दिया जा रहा है। जिस सामान में जो दूल्हा दुल्हन को 5 जोड़ी कपड़े, जिनमें लहंगा चुन्नी सिलाई करके 2 जोड़ी साड़ी, 2 सूट, दूल्हा पक्ष को और 1 सुपारी सूट और 1 पैंट शर्ट शॉल और 1 तौलिया, इसके बाद में और बर्तन 21 बर्तन वो 36 बर्तन दिए जा रहे हैं, साथ में 7 और जेवर जो कि आभूषण के आइटम, जिनमें 2 सोने के और 5 चांदी के जो आभूषण दिए जा रहे हैं, साथ में अन्य जो सभी घरेलू आवश्यक जो सामान हैं वो सभी समाज के भामाशाह दानदाताओं के सहयोग से और दिया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो दहेज की बढ़ती हुई जो कुरूति है उसको दूर करना, साथ में जो धम्म कारवा है, बौद्ध धर्म का जो कारवा है उसको आगे बढ़ाना, ताकि अधिक से अधिक लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक हो और ये जो अन्य धर्मों में जो आडंबर है, छुआछूत है, भेदभाव है, उन सबको दूर करके हम सब इस और कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहें कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें संभावना, समता, प्यार प्रेम, दया, करुणा, ये सारे गुण पाए जाते हैं। इसलिए सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि बौद्ध धर्म को अपना कर और बौद्ध धर्म जो एक करुणामय धर्म है वो सभी में फैला कर और इसको अपनाएं, ताकि लोगों का विकास हो, विश्व में शांति स्थापित हो। बस मैं इतना ही कहकर मैं इस कार्यक्रम में सभी दानदाताओं, भामाशाहों और सहयोगकर्ताओं का और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, साथ में अपील करना चाहूँगा समाज के सभी कि इस रीति से अधिक अधिक जुड़ें। फिलहाल इसमें और PhD MPhil करने वाले दूल्हा दुल्हन भी हैं और आगे भी हम यही आशा करते हैं कि यहाँ से आगे कर्मचारी भी इस और सामूहिक विवाह सम्मेलन में जुड़ेंगे और इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, नमः बुद्धाय। सर आपका ये जो यही अलवर में कहाँ कहाँ तक अभी तक आप सामूहिक विवाह करवा चुके हैं? ये सामूहिक विवाह सम्मेलन अलवर जिले में लगभग 8-9 तहसीलों में ये किया जा रहा है। अभी इसके 5 दिन बाद और किशनगढ़ तहसील में किया जा रहा है।
इससे पहले सीकरी में किया गया है, इससे पहले राजगढ़ में किया गया है, रेणी में भी किया गया है। तो अलवर जिले के लगभग 8-9 तहसीलों में ये सामूहिक विवाह सम्मेलन है और किया जा रहा है। ये जाटा बैरवा मेघवाल रेगर चाकर इन सभी समाजों में बहुत बहुत साधुवाद सर। तो देखा आपने ये पूरी सबकी टीम है, पूरी तरह से ये संगठन है सबका, डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति जिला अलवर, ये पूरी सबकी टीम है और ये टीम पूरी अलवर में, अलवर के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये फैली हुई है और सामूहिक विवाह को करें, जो गरीब तबके के एक ही जाति के जो लोग हैं वो बुद्धिज्म से शादी करें। और सर ने भी बताया कि इनका मोन मेट्यू जो है वो है दहेज की जो कुरीतियाँ हैं देश में फैली पड़ी हैं, इन कुरीतियों को जड़ से मिटाना है इनका एक ये भी उद्देश्य है इसीलिए, और एक ही मंच पर आकर शादी करें। आज 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह होने जा रहा है, ये सर की टीम पूरी है, आप देख दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी सबको दिखाएँ, इतना अच्छे से काम कर रही है। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सबसे परिचय लेना चाहूँगी। सर अपना नाम बताइए, अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम डूंगर सिंह है, मैं भीमराव ज्ञान सर प्रकाश समिति का संरक्षक पद पे हूँ। आप ओम प्रकाश कोषाध्यक्ष डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति जिला अलवर। आज मैं ये जानना चाहूँगी आप सभी से एक एक लाइन में बोलेंगे, आज जो 21 जोड़ों की शादी है उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये नए दंपति है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत रीति से शादी कर रही हैं, इसमें बहुत ही अपना संदेश बढ़िया जाएगा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सुखमय जीवन व्यतीत करें और तरक्की की ओर उत्तरोत्तर अग्रसित होते रहें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महामंत्री डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति लालचंद कानू को इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति ने ये जो सम्मेलन की प्रक्रिया चालू की है ये 21 मई 2016 से चालू की है और ये 5 बार पहले कर चुकी है, छठवां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज होने जा रहा है और इसमें 71 जोड़ों की पहले शादी करते हुए आज ये 92 जोड़ों की शादी 21 को और सम्मिलित करते हुए कर रहे हैं और इसमें मानव मानव एक समान, और हमने ये जो मिसाल कायम की है अलवर ज़िले में कि ये बौद्ध धर्म के अनुसार ये शादियाँ हो रही हैं, जिसमें एक आडंबर को दूर करते हुए कि देवता लोग अब सो गए हैं उसको हम एक तरह से काटते हुए और इस शादी को करने जा रहे हैं और इसको एक उत्सव के रूप में हम जो SC वर्ग में जो समुदाय आ रहे हैं, चाहे वो जैटव है, चाहे बैरवा है, चाहे बलाई है, चाहे रेगर है, चाहे मेघवाल है, उन सभी को इसमें शामिल करते हैं। और भविष्य में हमारी जो ये समिति है ये ऐसी आशा करती है कि इसको जितना ज़्यादा फैलाया जाएगा हम इसमें सहयोग देंगे और आम जन का सहयोग लेंगे। इस अवसर पर सभी भामाशाह दानदाता और सहयोगकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नव बुद्धा। बहुत बहुत साधुवाद सर, आप क्या कहना चाहेंगे? RK जाटव, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। ये हर साल सामूहिक विवाह किया जाता है, गरीबों के हित के लिए किया जाता है, उनमें जो गलत कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए एक अलग मैसेज दिया जाता है बौद्ध रीति से, और ये बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आगे चल के पूरे भारत में इसका मैसेज अच्छा जाएगा और जाना भी चाहिए इसके, और आप लोगों से निवेदन है चैनल वालों से आप भी इसका प्रचार प्रसार अच्छा से ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें ढोंग पाखंडवाद नहीं है, इसमें बिल्कुल साफ सड़िया यहाँ काम रहता है और सब जो है पारदर्शिता से इसका हिसाब किताब भी दिया जाता है। पूरी कार्यकारिणी बहुत ही शिक्षित है, अच्छी है और अच्छे अच्छे पदों पर भी है और अच्छे अच्छे नेता भी हैं इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कारवा बढ़ता रहे, मेरी तो यही कामना है। बहुत साधुवाद सर, आप क्या कहना? जगदीश प्रसाद बौद्ध, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़, और इस समिति में मैं पदाधिकारी हूँ, सभाध्यक्ष, और ये छात्रावास मेरे नेतृत्व में स्टार्टिंग में बनाई गई थी और चालू मेरे माध्यम से ही किया गया था ये काम। तो ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है ये छठा है, यहाँ पर इस छात्रावास का जो निर्माण है वो इसलिए किया गया है कि भाई गरीब बच्चे जो दूर के हैं वो नज़दीक शिक्षा प्राप्त करें और यहाँ पर रह लें, और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है ये आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर ढोंग पाखंड को हटा करके हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं कि भाई ये बाबा साहब के भगवान बुद्ध के रास्ते को अपना करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मास्टर रोशन लाल बौद्ध, डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति में मैं कार्यालय मंत्री हूं, और ये छठा जो सामूहिक विवाह सम्मेलन यहां पर आयोजित हो रहा है, इस सम्मेलन के माध्यम से हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी कुरीतियों को त्यागते हुए आप ये जो मानवतावादी जो धर्म है
भगवान बुद्ध बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है, इस रास्ते को अपनाते हुए हम अपना और अपने समाज का और अपना देश का भला करें, जिससे कि हमारे समाज में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें शांति, हमारे देश की पहचान हो। जिस तरह से बौद्ध में हमारा देश है, पूरे विश्व में जो पहचान है, वो शांति की पहचान हमारे देश में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, आप क्या कहना चाहेंगे? चिरंजी लाल बहुत धम्म उपदेष्टा, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, मेरा जीवन इसमें ही रत रहता है। मैं सारे कार्यक्रम, जैसे आज भी कराना है तो ये सारे कार्यक्रम मैं भंते जी को सहयोग देते हुए संपन्न कराऊंगा। अरे बहुत अच्छा, तो भंते जी जरा जो इक्की जोड़े हैं उनके बारे में आप थोड़ा कृपया ध्यान दें, कहना चाहेंगे आप थोड़ा उनके लिए बोलिए आप। देखिए, जब कभी भी यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं तो हम बौद्ध भिक्षु को बुलाते हैं और हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनकी शादी संपन्न कराते हैं। धम्म उपदेशा चिरंजी की सहयोग से और इन सभी के सहयोग से हम सदा से कराते हैं। हम भिक्षु यहाँ रहते हैं और सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते हैं। ओके, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मूर्ति देवी ताराचंद बोध, जिला 23 भारतीय बोध महासभा, जिला अलवर। हमारा काम और ध्येय ये रहता है, जितने भी जो भी काम करें या समाज के जो काम हुए, कम से कम खर्चे में हो और जो अधिक से अधिक धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार, जो हमारा पुराना धर्म धाम भारतीय महासभा उसके लिए काम कर रही है। काम ये रहता है, जितने भी काम सब बौद्ध रीति से हो, यहाँ भी जो काम करवाते हैं सारे बौद्ध रीति से करवाते हैं, जिले या बाहर या स्टेट जो भी काम करवाते हैं बौद्ध रीति के अनुसार ही करवाना चाहते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा प्लान है सर। आप क्या कहना चाहेंगे, दो शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात ये है कि समाज के द्वारा गरीब बच्चे बच्चियों की जो शादी की जाती है, इसमें जो बच्ची के और बच्चे के माँ बाप हैं उनको जीवन में किस तरह आर्थिक बोझ नहीं होता, इससे समाज में अपनी उन्नति कर सकते हैं। बहुत अच्छा, तो देखा आपने कि ये हमें समिति का इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे से काम कर रही है समिति। समिति के जो अध्यक्ष हैं उनकी पूरी टीम है और पूरी मेहनत के साथ, और जो गरीब परिवार से तबके से आते हैं उनके एक तरह से मदद भी कर रही है और कुरीतियों को खत्म भी कर रही है और बुद्धिज्म को भी बढ़ावा दे रही है कि बुद्धिज्म से ज़्यादा जो बहुजन समाज है वो हिंदू रीति रिवाज के पाखंडों को त्याग कर बुद्धिज्म से आए, बुद्धिज्म के रीति रिवाजों से, बुद्धिज्म संस्कारों से अपने घर के बच्चों की शादी संस्कार करवाए, तो ये एक तरह से समाज के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा महिलाएं पुरुष मिलकर भागीदारी ले रहे हैं और परिवार भी, और सर सहयोग भी कर रहे हैं पूरी तरह से, बताया जिस तरह से इक्की जोड़ों को। तो मैं सर को, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी और ऐसे ही और लोगों से आपको मिलवाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक TV 24। जय भीम। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर।